तो धनबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से अनुपालन करने एवं उस पर 24 घंटे निगरानी रखने के उद्देश्य से सोमवार को न्यू टाउन हॉल में स्टेटिक सर्विस लाइन टीम फ्लाइंग स्क्वाड टीम वीडियो विंग और टीम वीडियो सर्विस लेंस टीम एवं अकाउंटिंग टीम को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लागू होते ही निजी एवं सार्वजनिक स्थानों से सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर झंडे फोटो पेंटिंग इत्यादि हट जाने चाहिए। ऐसा नहीं होने पर इसे MCC का उल्लंघन माना जाएगा और आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों की आज बैठक हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम वीडियो सर्विलांस टीम वीडियो व्यूइंग टीम और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के साथ थी। इसमें जैसे आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उसको लेकर के जो आदर्श आचार संहिता का अनुपालन है और तमाम अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उससे संबंधित हमने समीक्षा करी, दिशा निर्देश दिए और हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। कहाँ तक मैडम कार्य बचे हुए हैं, कितने कार्य होने बाकी हैं? चुनाव का कार्य जैसे आप जानते हैं ऑनगोइंग प्रक्रिया है। धनबाद जिला प्रशासन की तैयारी अच्छी है और जो भी अभी बीच में कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मैडम कुछ बूथों को लेकर भी बातें हुई थी, जैसे जहां पे आधारभूत संरचनाएं नहीं है उनमें कितने बूथों को अभी तक मतलब चिन्हित किया गया है जगहों को? आधारभूत संरचनाएं तो सभी जगह मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी उप विकास आयुक्त इन सभी को लगाया गया है, DDC इसके नोडल हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई कमियां होंगी जैसा ECI का दिशा निर्देश है जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो हम लोग अश्योर करेंगे कि बूथ पर उपलब्ध कराई जाए। मतलब एक बार और एक दो बार और बैठक के बाद ये सब निश्चितता सामने आएगी। बैठक और